Good morning, student. So the fungi are classified according to on the basis of the structure, mode of spore formation and fruiting bodies are as follow. They are four type, that is the phycomycetes, saccharomycetes, and basidiomycetes and deuteromycetes. These are the four types on the basis of their structure, mode of spore formation. They are divided. Yes. So the phycomycetes, we have already seen this, that this is the algal fungi. It is also called as the algal fungi. The mycelium is made up of accepted coenocytic hyphae. Yes. So अगर हम जो मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो माइसिलियम जो था इट इज मेड अप ऑफ असेप्टेड, मीन्स यहाँ पे सेप्टा नहीं प्रेजेंट रहेगा, उसमें कुछ बाउंड्री प्रेजेंट नहीं रहेगी. न्यूक्लियस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, फ्रीली रहेंगे. यस, देर इज नो बाउंड्री, नो सेप्टा इज प्रेजेंट. ओके, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज असेप्टेड कोइनोसाइटिक हाइफे. यस, दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट और एज पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. सो दीज आर दी उनके ये हैबिटेट्स हो गए कि वो डेड डिकेइंग मैटर्स में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में, और पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. सो दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज. फॉर एग्जाम्पल, म्यूकर एंड राइजोपस, दैट इज द ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो, दैट इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइकोमाइसिटीज. दिस एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट. आपको ये एग्जाम्पल सारे जो हैं एटलीस्ट सभी के एक दो याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे. अब ये इनका जो आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इट इज़ द हाइफे है ये. हाइफे में दिस इज द स्पोरेंजियोफोर्स एंड दिस इज द स्पोरेंजियम. इन द स्पोरेंजियम द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, कि अगर हम बात करते हैं, दिस इज द स्पोरेंजियम. यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. यस, देर इज नंबर ऑफ स्पोर्स एंड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दिस स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम दिस स्पोरेंजियम. यस, दीज आर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजियम एंड दे आर फ्री टू रिप्रोड्यूस अगेन. यस, सो दीज आर द रिप्रोडक्शन मेथड, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन. यस, सो हियर द स्पोरेंजियम विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियोफोर, या आप बोल सकते हो ये स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में प्रेजेंट है, ये आफ्टर सर्टन टाइम इट विल रिलीज एंड इट विल हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई. यस, सो दिस इज द मैथड बाई विच दे आर रिप्रोड्यूस, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन. यस, देन नेक्स्ट इज द सैकोमाइसिटीज. यस, दिस सैकोमाइसिटीज एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे कैसा ये फंजाई कैसा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेक फंजाई. सेक फंजाई मीन्स, सेक मीन्स इट्स लाइक अ बैग. यस, सो दिस फंजाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर वेराइटी इंक्लूड ईस्ट. द हाइफे आर ब्रांच्ड, कैसे है, ब्रांचिंग दिखेगी आपको उसमें, सेप्टेड दिखेंगे. डायग्राम से ही अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ये डायग्राम है. डायग्राम में आप देखेंगे देर इज वेरियस ब्रांचेज, हाइफे आर ब्रांच्ड. यस, और उसके बाद दे आर सेप्टेड. यहाँ पे आपको एक डायग्राम में दिखेगा कि वहाँ पे एक तरह से उनके बीच में एक सेल वॉल की तरह है, ये सेप्टा फॉर्म हुआ है यहाँ पे. यस, बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज सेप्टेड. सेक फंजाई कैन बी डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन द काउ डंग. यस, उसके ऊपर ग्रो होने वाला जो फंजाई है दैट इज कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस. द मॉरेल एंड ट्रोफेल्स आर वैरायटी ऑफ सेक वैरायटी सेक फंजाई दैट आर कंज्यूम एज डेलिसी
डेलीशियस, या आप बोल सकते हो बहुत, दीज आर दी फंजाई विच आर वेरी मच, जो बहुत महंगे होते हैं और इनको कंज्यूम किया जाता है. यस, दैट इज न्यूरोस्पोरा इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेज. सो दीज आर द फंजाई जो दे आर द सेट लाइक, एक थैली की तरह आप बोल सकते हैं, दे आर उनका स्ट्रक्चर होता है. एंड दे आर ऑल्सो रिलीजेस, ये दिस इज द माइक्रोस्कोपिक्स, ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि देर इज, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या देखेंगे, हाइफे के डिफरेंट ब्रांचेज हैं एंड दे आर सेप्टेड. यस, दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे ग्रो ऑन अ डिकम दे ग्रो एज अ डिकम्पोजर, मतलब वो कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. दे लिव्स एज अ पैरासाइट्स. यस, सो एस्परगिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सेक्रोमाइसिटीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेक्रोमाइसिटीज. ओके, देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्गिलस. देन बेसिडोमाइसिटीज, एज द कॉमनली उसके डायग्राम से हमें समझ में आता है, डैट इज इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई. यहाँ पे जो दिखेगा आपको सारे जो स्पोर्स हैं दे आर इन अ क्लब फॉर्म, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं. यस, दे आर कॉमनली कॉल्ड दी क्लब फंजाई. दे आर ब्रांच सेप्टेड हाइफे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकस दैट इज मशरूम, देन गैनोडर्मा, यस दैट इज द ब्रैकेट फंजाई, देन एस्टिलोगो दैट इज स्मर्ट्स, देन प्यूसिनिया दैट इज रस्ट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस बेसिडियोमाइसिटीज. यहाँ पे आप देखेंगे जी, दिस इज द मशरूम इज द बेस्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे जो उनके मैक्सिमम जो स्पोर्स होते हैं दे आर, ये एक क्लब फॉर्म में होता है, या उनका बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दैट इज इन द क्लब फॉर्म. बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज द क्लब फंजाई. यस, देन फॉर नेक्स्ट इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज. यस, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इट इज द इम्परफेक्ट फंजाई. इट इज वाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट, बिकॉज इट रिप्रोड्यूस ओनली असेक्शुअली. यस, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई. द फॉर एग्जाम्पल इज द अल्टरनेरिया और कलेक्टोर ट्राइकॉम. और ये दिस आर, आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि जो भी लीफ है, लीफ पे जो ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं इट इज बाय दिस फंजाई. यस, दिस ब्लैक कलर स्पॉट इज बाय द अल्टरनेरिया. यस, सो दिस इज हाउ द फंजाई ग्रुप हैज बीन क्लासिफाइड. अगर हम ये चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इन चैप्टर में किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे इट इज़ नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, बिकॉज क्योंकि ये हमारे चैप्टर सेपरेट चैप्टर्स हैं. सो अगर ये चैप्टर में हम देखेंगे तो सिर्फ तीन किंगडम को अच्छे से एक्सप्लेन है किया गया है, दैट इज़ द किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम फंजाई. यस, सो अगर क्वेश्चंस भी आते हैं तो मेनली इट इज़ कम फ्रॉम दिस थ्री किंगडम्स. यस, सो नेक्स्ट इज द किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया दैट इज द मेंबर ऑफ दिस किंगडम दैट इज द एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर हेटरोट्रॉप्स. यस, दे डिपेंडिंग ऑन द अदर, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग ओन फूड. दे अडोप्टेड टू हेलोजोइक न्यूट्रिशन. हेलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे डाइजेस्ट द फूड फ्रॉम द डाइजेशन, और डाइजेशन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करेगा फूड का, एसिमिलेशन, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा. ओके, जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेगा. सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज द हेलोजोइक न्यूट्रिशन. यस, सो द मेंबर ऑफ दिस फैमिली दे आर हाइटरोट्रॉप्स एंड दे आर अडोप्टेड टू द हेलोजोइक न्यूट्रिशन. मोस्ट ऑफ देम हैव द कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन. यस, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स वेयर द सेल लैक्स क्लोरोफिल एज वेल एज सेल वॉल. एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है.
वही हम प्लांट सेल में देखेंगे तो दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. यस, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकेरियोट्स दे डोंट हैव द क्लोरोफिल एज वेल एज द सेल वॉल. ग्रोथ इज डिटरमाइंड. हम जो प्लांट है प्लांट की तरह नहीं बोल सकते कि दे हैव इनडिटरमिनेट, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक वो ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. द एनिमल्स हैव सर्टन टाइम लिमिट, वो सर्टन टाइम लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हैं. आफ्टर दैट टाइम उनका क्या हो जाता है, जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन फेज में चली जाती है. यस, सो इन दिस दीज आर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफ द एनिमेलिया. यस, इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4, वी विल स्टडी अबाउट द किंगडम एनिमेलिया एंड इट्स फर्दर क्लासिफिकेशन. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर फाइव सिस्टम और द विटेकर फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यस, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिंग. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टन ग्रुप्स, और आप बोल सकते हैं जैसे वायरस, वायरॉइड्स आर द ग्रुप्स ऑफ असेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द विटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस. सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो वायरस है, वायरॉइड्स हैं, दिज आर द ग्रुप्स ऑफ असेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दिज आर नॉट इंक्लूडेड इन द विटेकर फाइव किंगडम, बट वी हैव टू स्टडी वॉट आर दिज असेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट सी वॉट इज द वायरस. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस असेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द वायरसेस, वायरॉइड्स एंड दी लाइकन. यस, सो सी इन योर नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.